धार जिले में बचपन में मजदूरी करने वाला जुग्गू आज होटल का मालिक बनकर 12 लोगों को रोजगार दे रहा है। छोटे से कस्बे टांडा में होटल संचालित करने वाले जग्गू की मिर्ची बड़े आसपास के जिलों सहित इंदौर जैसे महानगर तक लोगों में लोकप्रिय है। टांडा में जग्गू होटल के मालिक जग्गू ने बचपन में ही रेस्टोरेंट्स पर मजदूरी करना आरम्भ कर दिया था। धीरे धीरे काम सीख कर जग्गू ने एक ठेले पर पोहे जलेबी आलू बड़ा तथा मिर्ची बड़ा बनाना आरम्भ किया। उसके स्वादिष्ट नमकीन धीरे धीरे प्रसिद्ध होते चले गए और आज एक बड़े रेस्टोरेंट को वह संचालित कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र में उसका रेस्टोरेंट काफी नामचीन है। जग्गू के होटल पर बनने वाले मिर्ची बड़े पोहे आलू बड़े काफी प्रसिद्ध हैं। यहां से गुजरने वाले चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी या कोई राजनेता, जग्गू की होटल के मिर्ची बड़े खाकर ही आगे रवाना होते हैं। जग्गू के अनुसार उसकी दुकान पर बनने वाले मिर्ची बड़े राजगढ़, धार, इंदौर सहित आसपास के जिलों में लोग पैक करवा कर ले जाते हैं। जग्गू ने अपने रेस्टोरेंट पर 12 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। दिन भर चलने वाले रेस्टोरेंट से जग्गू के अलावा 12 अन्य लोगों के परिवार का गुजर बसर होता है। जग्गू के मिर्ची वड़े को जीराबंद नींबू के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। एक छोटे से कस्बे में बनने वाले इस नमकीन मिर्ची वड़े का स्वाद आपको बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलेगा। छोटा सा काम करना सीखा था, सर तो डांकी का होटल ही है, काम कर रहा था छोटा सा ना, मेरे काम सीख गया तो फिर मैंने स्वयं में मैंने होटल खोल ली, ठेला गाड़ी पे मैंने छोटी दुकान खोल ली। फिर धीरे धीरे अच्छा फिर चलने लगी मिर्ची यार, अच्छा लगा। तो अधिकारी को धार इंदौर सब नाश्ता लेना, अधिकारी लोग अच्छा आता नहीं यार, अच्छा बनाता, अच्छा साफ सुथरा, अच्छा सर मैं अच्छा बनाता। आज जैसे कि आपके होटल का बड़ा स्वरूप हो गया है, आज मतलब कितने कर्मचारी आपके इसमें काम कर? 12 लोग कर्मचारी, 1 क्विंटल तो मिर्ची हरी काट देता, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल बेसन खत्म हो जाता। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि आज आप का जो इस होटल से कमाई है वो कमाई कितनी हो जाती है? हो जाती सर कि हमारा घर बार अच्छा परिवार को चला लेता। टांडा धार से सुरेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट।